You are so beautiful. Hello, handsome. You are so beautiful. What are you doing, huh? आज बाबू का पेट खराब है, लेकिन देखो खाना कितना अच्छा है। बाबा वो खा नहीं पा रहा, सारा वेजिटेरियन लग रहा है मुझे। ये पता नहीं कौन से बॉल्स है, बहुत टेस्टी है। खाने के बाद पता चला ये तो मेरी फेवरेट रेसिपीज में से एक है। इसमें बस आलू को उबाल के मैश करके उसको कॉर्न स्टार्च के साथ उसका आटा गूंद दिया जाता है। उसके बाद उसके बॉल्स बना के उसको स्टीम किया जाता है, और उसके बाद उसको फेवरेट आपके सॉस में डाल के खा सकते हो। उसको स्टर फ्राई कर सकते हो या इसको कोई डिपिंग सॉस में डाल के खा सकते हो। तो बहुत ही टेस्टी चीज है, आई लव इट। और देखो ब्रेड फ्राई कर दिए उन्होंने, जो ब्रेड बनाई थी ना उसको काट के फ्राई कर दिया है। ये तो वेजिटेरियन सैलेड है जिसको सभी जानते हैं जो भी मेरा वीडियोस देखते हैं। तो बस गाइज, इसके बाद हम लोग तैयार हुए जाने के लिए चांगचुन, क्योंकि इवान की तबीयत खराब है। ओडिन का आइडिया था कि चांगचुन हम जाएंगे जबकि वहाँ पे लॉकडाउन है कम्प्लीट। और पहन रही हूँ मैं अपने सर्दी वाले जूते, ये बहुत ही मोटे हैं, और अगर कोई और जूते पहनो तो पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, सुन पड़ जाते हैं, तो ये पहनना बहुत ज़रूरी है। लेदर के हैं ये। ये आई थिंक ओडिन का फर्स्ट गिफ्ट था मेरे लिए, जब मैं चाइना में फर्स्ट टाइम आई थी ओडिन ने ये खरीद के रखे थे, और ये काफ़ी महंगे थे, तो यानी इम्प्रेस करने के लिए इसने शायद इसलिए खरीदे थे। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। एक्चुअली हुआ क्या, इवान का बहुत पेट खराब चल रहा है। ही हैज़ स्टमक फ्लू फॉर पास्ट 1 week और मोर। तो हम उसको दिखाने के लिए मैं और ओडिन चांगचुन जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स हैं। हम लोग तो थोड़े छोटे टाउन में रहते हैं, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ थोड़ा चांगचुन, अगर टाइम मिला तो, नहीं तो देखते हैं कैसे जाता है ये दिन। हम लोग एक दिन रहेंगे एक रात, कल लौट जाएंगे। फिर क्या था, गाड़ी में हम बैठे, मैंने इवान को अच्छे से लपेट लिया ताकि उसको बिल्कुल ठंडी नहीं लगे, क्योंकि इस गाड़ी में जो एसी है वो गर्म नहीं हो रहा था इतना जितना कि ठंडे जगहों में होना चाहिए। तो वैसे तो मैं आपको रास्ते की सीनरी दिखाना चाहती थी, लेकिन खिड़की पे पूरी बर्फ जम गई है, अंदर की तरफ भी। ऐसा मैंने पहली बार देखा, तो मैं इसको उतारने की कोशिश कर रही थी इस कार्ड के साथ ही। आई थिंक टोल वाला कार्ड है। खिड़की में नहीं दिख रही, लेकिन स्क्रेप करने के बाद नीचे गिर के दिख रही है ये बर्फ। अगर पास से दिखाऊं तो आपको दिखेगा, ये जाली जैसा नेटवर्क बना लिया है बर्फ ने यहाँ पे। वेरी स्ट्रेंज। तो बस ओडिन मुझे यही बता रहा था कि यहाँ पे प्लांट के रिसर्च सेंटर्स हैं, बहुत टाइप के प्लांट्स हैं। तो बस इसका मतलब है कि इतनी ठंडी जगह पे भी प्लांट्स पे रिसर्च होती है, और ये ज़्यादातर गर्म जगहों पे नहीं होता, क्योंकि शायद एसी का बिल बचता है। तो ज़्यादातर प्लांट्स हैं ना ठंडी में सर्वाइव कर जाते हैं, बट ज़्यादा गर्मी में जल जाते हैं। और देखिए आ गई ये पुराने स्टाइल की बिल्डिंग्स और गेट्स जो चाइनीज स्टाइल है उसके, काफ़ी अच्छा लगा देख के। इवान सो चुका है, गाड़ी में बैठते ही उसको नींद आने लगती है, सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है शायद। ये देखिए रास्ते में आ गया एक हाईवे वाला टाउन, तो यहाँ पे कई जगह देखा मैंने सिर्फ हाईवे पे घर और कुछ शॉप्स होंगी, पीछे ज़्यादा कुछ नहीं, पीछे सिर्फ फार्म्स हैं। तो इस टाइप के टाउन्स बहुत देखे हैं मैंने, सिर्फ हाईवे से लगे हुए जुड़े हुए हैं। काफ़ी ट्रक रिपेयरिंग की शॉप्स है, मैकेनिक वाली शॉप्स है, कुछ आप फल फ्रूट भी ले सकते हो, जनरल स्टोर्स है थोड़े बहुत। तो इस टाइप के टाउन से हम कभी कभी कुछ खरीद भी लेते हैं। देखिए बैंक है पीछे, तो हर जगह सब कुछ मिल जाता है। और ये बिल्डिंग बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, बट ऐसी बिल्डिंग्स यहाँ पे बहुत बनाई हुई है। आई थिंक ये चर्च है, मैंने ओडिन से पूछा था लेकिन उसने बोला ये चर्च नहीं है, बट कितना अच्छा डेकोरेट किया है, क्रिसमस स्टाइल में डेकोरेट किया है इसको। और देखो ये नारियल वाले पेड़, ये यहाँ ठंडी जगह पे कहाँ से लेके आए, आई डोंट नो, और सर्वाइव भी कर रहे हैं। देखिए कितना कलरफुल है। चांगचुन की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे लाइट से बहुत डेकोरेशन की है। तो गाइस हम आ गए हैं चांगचुन, फाइनली ओडिन के कजन के घर पे हैं। और जर्नी तो कुछ 2 घंटे की थी। जिनको पता नहीं, जो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि चांगचुन जो है वो कैपिटल है, चांगचुन जो है वो कैपिटल है जिलिन का। और जिलिन है एक प्रोविंस जो कि मेरे हस्बैंड का होम टाउन जहाँ पे है। हमारा जो गांव है वो चांगचुन से 80 किलोमीटर कुछ दूर है। बात ये हुई कि मैंने जैसे आपको बताया इवान का पेट खराब हो गया, तो हमको, हाँ बाबू ये विंडमिल है, लो लो। हाँ तो हुआ ये कि इसका पेट खराब हुआ, तो हमको इसको अच्छे डॉक्टर को बड़े सिटी में दिखाना था। तो हम लोग, मैं ओडिन और इवान सिर्फ गाड़ी में आए, और लकीली यहाँ पे उसके कज़न का घर भी है, उसका खुद का अपार्टमेंट,
तो हम लोग यहाँ पे ठहरने वाले हैं अभी शायद एक दिन तो कम से कम एक रात। प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे लॉकडाउन है एक तरह का, तो क्या है एक सिटी के या एक गांव के एक टाउन के लोग दूसरे टाउन नहीं जा सकते, इस टाइप का लॉकडाउन है। आप चाहे तो सिटी में कितना भी घूमो अपने खुद के सिटी में, लेकिन दूसरे सिटी नहीं जा सकते। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने ड्राइव किया और हमने उसके बाद जो टोल वाला एरिया आता है जहाँ से आपका नया सिटी स्टार्ट होता है वहाँ पे हमने उससे पहले गाड़ी पार्क कर दी। हम वॉक करके टोल के बाजू से होके आए और वहाँ पे दूसरी साइड पे हमारा जो ओडिन का कज़न है वो वेट कर रहा था। तो हमने इस तरह से थोड़ा सा एक शेडी काम किया है, बट क्या करें, जरूरी लगा तो किया हमने ये भी। हाँ बाबू खेल लो इससे। और एक और प्रॉब्लम कहाँ आई, ठीक है हमने क्रॉस कर लिया पर ओडिन ने मुझे बताया नहीं था कि हमको क्रॉस करना है, हमको पैदल चल के जाना है और वो था कुछ आधे किलोमीटर का डिस्टेंस। और मैं सिंपल एक टी शर्ट ऊपर हल्का सा जैकेट और बस एक पैंट पहन के, ये देखो आप ये एक सिंगल लेयर है ये मैं पहन के निकली थी। और जो ठंडी थी कुछ -25 टेम्परेचर था उसमें मैं, और मेरी जैकेट की चेन ही बंद नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। और मेरे हाथ निकलने से पहले, गाड़ी से निकलने से पहले सुन्न हो चुके थे, पेन हो रहा था। तो मैं कैसे तैसे करके आधा किलोमीटर जो मैंने चला है आज, वो इतनी जोर से हवा चल रही थी, वो जो आधा किलोमीटर मैं चली हूँ मुझे लग रहा था आज बस ये मेरा आखिरी दिन है सच में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इंसान बहुत स्ट्रांग होता है अंदर से, इंसान चाहे तो ठंड में भी बहुत टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। और चलने पे थोड़ी सी बॉडी वार्म अप होती है तो इतना खतरा नहीं रहता। तो बस वो ही था, वो एक स्ट्रगल था एक छोटा सा। तो जो भी हो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बिल्डिंग्स पूरी वार्म रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। घुसते ही जैसे ही आप एंटर करते हो बिल्डिंग में, कोई भी सोसाइटी हो कोई भी कम्युनिटी हो एकदम गरम गरम होता है, तो सारे अपार्टमेंट्स गरम होते हैं, एसी वेसी चलाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये घर थोड़ा सा। ये बैचलर है जो ओडिन का कज़न है, वो बैचलर है अकेले रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बैचलर का घर कैसा है चाइना में। हाँ एक और बात कि ओडिन का कज़न जस्ट कुछ दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुआ है और ओडिन ने भी उसकी काफ़ी हेल्प की थी। छोटा सा फिश टैंक लगाया हुआ है इसने, काफ़ी अच्छा फर्नीचर है, टेबल वगैरह काफ़ी क्लासी है। देखो आप यहाँ पे इसने टेम्प्ररी शूज़ रैक का इंतज़ाम किया है, और ये फ्रिज यहाँ पे, यहीं पीछे छोटा सा किचन है इनका काफ़ी अच्छा सा, ये वॉशरूम है आई थिंक सो। और हाँ गाइज ये जो कमोड है ये जापानी स्टाइल का है, इसमें सारे फीचर्स है, रिमोट कंट्रोल से चलता है, इसमें फ्लश और गर्म पानी, सीट की हीटिंग, जेट वगैरह सब कुछ। तो आज इतनी ठंडी में मेरी हालत हो नहीं रही थी कि मैं आपको थोड़ा इधर उधर का दिखाऊं एरिया, हमारे आसपास का एरिया दिखाऊं, बट जो भी है बहुत ही काफ़ी अच्छी थी जर्नी, काफ़ी सुंदर है। चांगचून मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको दिखाऊंगी, ये बिल्डिंग काफ़ी ऊपर है ना, यहाँ से पूरा सिटी दिखता है, कितना सुंदर है। बब्बू बहुत गुस्सा हो रहा है, इसका पेट ठीक नहीं है ना इसलिए बहुत खिलखिलाहट हो रही है ना बब्बू, आ जाओ आ जाओ। लगभग सारे ही अपार्टमेंट्स में चाइना में आजकल ये सीलिंग ऐसी आती है पीओपी वाली, कुछ मॉडर्न स्टाइल की डेकोरेशन की है इसने, यहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं और ये वाले पौधे तो भाई कहीं पे भी लग जाते हैं। और यहाँ पे कोई एंटीक सा लैम्प शेड है, काफी अच्छा लगा मुझे, अंदर शैंडलियर स्टाइल का कुछ लगा हुआ है। तो गाइज ये देखिए आप नज़ारा बाहर का कितना सुंदर लग रहा है, ये सिटी पूरा लाइट अप होके, और अभी भी देख सकते हैं आप न्यू ईयर के फटाके वगैरह चल रहे हैं कहीं कहीं पे, कुछ आतिशबाजी हो रही है काफ़ी दूर पे। और ये अभी शाम के शायद 7-1 बज रहे होंगे, 7-8, तो यहाँ पे वैसे अंधेरा हो जाता है काफ़ी जल्दी, लोग अपनी लाइट्स वगैरह बंद कर देते हैं 9-10 बजे के आसपास। तो अभी राइट टाइम पे मैंने ये वीडियो निकाला है, और ये आगे का एरिया है, पीछे का भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये नज़ारा पीछे की खिड़की से दिख रहा है, एक चिमनी चल रही है और कुछ नहीं, अभी सुबह होगी तो मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगी क्या है ये, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। देखो आप नीचे कितनी सारी कार्स है, चांगचून को चाइना का कार फैक्ट्री बोला जाता है क्योंकि यहाँ सारी कार्स बनती है। बस अब ओडिन का छोटा कजन आ गया है, थोड़े टाइम बाद उसकी फ्रेंड / गर्लफ्रेंड भी आने वाली है। आज हम करेंगे डिनर फिश के साथ में, खूब सारी बियर लगा दी है ये नॉन अल्कोहलिक वाली मेरे लिए,
सब्जियां हॉट पॉट की तैयारी देखो कितनी जबरदस्त। इस इंडक्शन कुकर पे रखा जाएगा हॉट पॉट और ये सब्जियां देखो, ये आपने शायद कभी नहीं खाई होगी, थोड़ी सी कड़वाहट होती है लेकिन टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैं बैठने वाली हूँ और ये स्ट्रॉबेरीज और चेरी टमेटोज है जो कि इवान को बहुत पसंद है, स्पेशल स्ट्रॉबेरीज। यहाँ लेफ्ट में थोड़ा सी फूड पड़ा हुआ है, सी वेजिटेबल्स और सी फूड यानी स्क्विड्स हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम गोवा में खाए थे। आई वॉजेंट अ बिग फैन ऑफ इट, इट इज़ ओके, आई एम नॉट गोना ईट इट टुडे। ओडिन खोल रहा है टोफू का पैकेट, सॉरी कैमरा थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो ये टोफू है, ये फ्राइड टोफू है, इसको ये ऊपर से भी डाल रहा है, इसको फिर से कुक करेंगे तो ये पूरा जो तरी है उसको सोख लेगा, पूरा जो ये लिक्विड है उसको। और इवान देखो, इवान अपना बैठ गया यहाँ पे, इसको इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि कुछ कुछ हो रहा है यहाँ सामने, हॉट पॉट चल रहा है, आवाज़ हो रही है, लोग बात कर रहे हैं तो उसका मन लग जाता है। और पीछे से कार्टून भी चलाया हुआ है ताकि उसको बोर ना हो जाए, क्योंकि जब इवान बोर होता है और उसको स्टमक एक या ऐसा कुछ हो रहा होता है तो वो बहुत रोने लगता है। तो चलो फाइनली बैठ गया वो यहाँ पे और थोड़ा दूर पे फ़ोन रखा है ताकि उसकी आँखें ख़राब ना हो जाए। तो थोड़ी देर में हमारे भाई की गर्लफ्रेंड भी आ गई और हम बैठ गए सब। हॉटपॉट को टेबल पे कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है तो ये अच्छा मौका होता है बातें करने का और वेट करने का। तो बस हमने एक एक करके हॉटपॉट में से पिक करना स्टार्ट कर दिया और वाकई में बहुत ही टेस्टी होता है। अगर कोई भी इंडियन फूड पसंद करता है उसको हॉट पॉट पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि सारे मसाले सेम होते हैं। और बाय द वे मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं फ़ोन एक जगह पे लगा के पूरी रिकॉर्डिंग करूं, सबकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मुझे भी हाथ में फ़ोन नहीं पकड़ना पड़ेगा, मैं भी अपने आप को दिखा पाऊंगी। पर मैंने कहीं पे भी कैमरा रखा हो इवान को दिख ही जाता है और फिर वो मांगने लगता है, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है खुद को दिखाना, खुद को यू नो खाते हुए या फिर काम करते हुए। तो बस यहाँ हम थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं और पता नहीं मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी, बट दीज पीपल सीम सो इंटरेस्टेड। और ओडिन भी काफ़ी खुश लग रहा है, वो यहाँ पे आके बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स ये उसका होम टाउन है, यहाँ का खाना पीना, दोस्त फ्रेंड्स अपने रिलेटिव सब उसके पास में हैं जो कि सिटी में नहीं है। तो हम बस खुशियों से अपना टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे। अगर इवान की तबीयत ख़राब नहीं होती तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, यानी हम यहाँ पे बहुत टाइम के लिए भी रह सकते हैं। तो बाकी यहाँ वेदर ठंडा है तो ऐसे ठंड में अंदर घर के बैठ के आप अच्छा गरम गरम खाना खाओ, इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। इवान ने काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया था क्योंकि उसका पेट ख़राब है, ऑब्वियसली किसी का पेट ख़राब होता है तो उसे खाना खाने का मन नहीं करता है। तो भी मैं इसको ट्राई कर रही थी कुछ खिलाने का, थोड़ा बहुत खा ले, लेकिन इवान फिर वो गुस्सा हो जाता था। तो मोस्टली ऐसा ही होता है जब इवान का पेट ख़राब होता है, मैं उसको होल्ड करके रखती हूँ या किसी और के पास, वो मानता भी नहीं है, भले ही वो ओडिन हो या उसके दादा दादी हो, उसको बस मेरे पास ही आना है, मेरे पास ही रहना है जब भी उसको कोई भी परेशानी होती है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा वेट लॉस प्रोग्राम है मेरा, मैं कई बार खाना नहीं खा पाती हूँ उससे मेरा वेट लॉस हो जाता है, यानी वेट मेंटेन रहता है, तो आई एम नॉट कम्प्लेनिंग गाइस। तो रूम में ले जाके इवान को बहुत देर तक मनाने के बाद मैंने फिर से ट्राई किया कि उसको थोड़ा एक आध नूडल खिला दूँ ताकि उसमें थोड़ी ताकत बनी रहे, बट फिर भी इवान बिल्कुल नहीं माना और वो और चिढ़ गया। तो ऐसा ही होता है गाइस, काफ़ी दिन तक ऐसा चलता रहा आगे। द सैड पार्ट वॉज इवान का काफ़ी वेट लॉस भी हो गया था, बट इवान को खाने पीने का काफ़ी शौक है तो आई वॉज श्योर कि उसका वेट वापस रिकवर हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को और बेल आइकन प्लीज़ दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी इवान के साथ क्या हुआ, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि हम किस हॉस्पिटल गए और क्या ट्रीटमेंट रहा उसका और बाकी सब कुछ। तो गाइस तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और आप अपना ख्याल रखिए, कोविड के टाइम भी बच के रहिए, मास्क पहनिए, हम अभी भी यहाँ मास्क पहन रहे हैं और मिलते हैं।